अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम आज काम सीखें और आज ही से अर्निंग स्टार्ट कर दें। तो आज की वीडियो में जो स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जो मेथड आपको बताने वाला हूं, उसे फॉलो करते हुए, इंप्लीमेंट करते हुए हम आज ही से अर्निंग शुरू कर देंगे। स्टार्ट में अर्निंग थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन इन फर्दर जैसे आप मूव करते जाओगे आपकी अर्निंग इंक्रीज होती रहेगी और इन फ्यूचर आप इस मेथड को फॉलो करते हुए बहुत ज़्यादा अर्न करने लग जाओगे। तो आज की वीडियो में हम ऐसी एक स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे जो कि ब्लॉगिंग को और एडस्टीरिया को, दोनों को कंबाइन करेगी। उससे कंबाइन करते हुए हम एक ऐसे मेथड को फॉलो करने जा रहे हैं जो हमें इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा कमा कर देगी। तो आपने ध्यान से काम को सीखना है, मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा। ये काम मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर सिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर तो आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आप 100% काम अपने मोबाइल फ़ोन पर परफॉर्म कर सकते हो। और मज़े की चीज़, आपने यहाँ पर किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट काम को सीखना है और फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमने यहाँ से मेथड को फॉलो करते हुए अर्निंग करनी है। तो आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, लेकिन शर्त यह है कि आपने काम को पहले समझना है, फिर इंप्लीमेंट करना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, सीखते हैं आज का काम। उससे पहले आपको बताता चलूं, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं GM अर्निंग ट्रिक्स यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड रियल मेथड, रियल स्किल सिखाए जाते हैं। तो अगर तो आप वाकई इंटरेस्टेड हैं रियल ऑनलाइन मेथड सीखने में, रियल स्किल सीखने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाला नया मेथड, नया स्किल सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, सीखते हैं आज का काम। लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। ओके, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपने कंप्लीट स्ट्रेटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझना है और कोशिश करें, साथ साथ ट्राई करें, ताकि चीजों की प्रॉपर समझ आ जाए। ये देखिए, आपके सामने मैंने एक पेज ओपन किया है उर्दू न्यूज का, जिसका नेम है BBC उर्दू न्यूज। ठीक हो गया, आपके सामने ये देखें, इस पेज पर लेटेस्ट न्यूज हर टाइम अपलोड होती रहती हैं। ये देखें, मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूँ, पाकिस्तान इलेक्शन 2024, जिसका इस टाइम ट्रेंड भी चल रहा है। उसके बाद ये देखें, फीचर एंड तजिए हैं। उसके बाद ये देखें, वीडियोस एंड पॉडकास्ट, हर तरह की न्यूज़ आपको बाय कैटेगरी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक हो गया, उसके बाद हम ऊपर चल रहे हैं, ये देखें नीचे स्पोर्ट्स न्यूज़ भी आ जाएंगी, उसके बाद वर्ल्ड न्यूज़, हर तरह की न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक हो गया, यहाँ भी कैटेगरीज अलहदा अलहदा आपको नजर आ रही हैं। ठीक हो गया, इसी तरह एक और पेज है पाकिस्तान का उर्दू पॉइंट, ये देखें उर्दू पॉइंट है। इस पर भी आपको पाकिस्तान की जो लेटेस्ट न्यूज है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लेटेस्ट न्यूज है उर्दू में, वो आपको नजर आएंगी। ये देखें, आप यहां से भी बहुत सारी न्यूज हर कैटेगरी की अलग अलग देख सकते हो। आज हमने क्या करना है, इन्हीं न्यूज को हमने यूज करना है और इससे ही हम अर्निंग करने वाले हैं। आपके सामने मैंने एक न्यूज ओपन कर लिया, ये देखें रात भर इलेक्शन कमीशन में क्या होता रहा, क्योंकि इलेक्शन का ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए मैंने इलेक्शन से रिलेटेड ही एक न्यूज़ को ओपन किया है। और इंतखाबी नतीजे मरतब करने का निज़ाम कैसे नाकाम हुआ, अब लोगों को इंटरेस्ट होगा इलेक्शन के बारे में न्यूज़ सुनने का। जो जो होता रहा इस इलेक्शन में सबको पता है और लोग जानना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इसी को फॉलो किया है और मैंने एक इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ को ओपन कर लिया है। अब आपने क्या करना है, सिंपल काम है, जस्ट कॉपी पेस्ट वाला काम है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, अब हमने आना है ब्लॉगर वेबसाइट पर। ओके, तो मैं आ चुका हूँ ब्लॉगर वेबसाइट पर। यहाँ पर अकाउंट बनाना बहुत आसान है, सिंपल आपने अपनी गूगल जीमेल को यूज़ करना है और आप यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर लोगे। अकाउंट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ये देखें, साइन इन पे आपने क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगी, आप डायरेक्ट अपनी जीमेल आईडी लगाकर यहाँ पर साइन अप कर सकते हो। ठीक हो गया, उसके बाद मैं अपना पहला अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, वहाँ से आपको चीज़ें प्रॉपर समझाता हूँ। ये देखें, आप जैसे ही अपना अकाउंट ओपन कर लोगे, ये देखें यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है न्यू ब्लॉग की, आपने न्यू ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब हमने इस साइट पर अपना एक ब्लॉग लिखना है। वो कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर टाइटल देना है। टाइटल फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ डेली न्यूज, ये देखें डेली न्यूज, क्योंकि मैं न्यूज को टारगेट करना चाह रहा हूँ। आपका ब्लॉग किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, मैंने न्यूज को टारगेट किया है आज की वीडियो में, तो मैं न्यूज से रिलेटेड ही यहाँ पर टाइटल दूंगा। मैंने यहाँ पर दे दिया डेली न्यूज, तो मैं डेली न्यूज लिखूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब आपने क्या करना है, आपने एक URL देना है अपने ब्लॉग को। ठीक हो गया, एक ब्लॉग प्रॉपर वेबसाइट हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ भी डेली न्यूज ही लिख देता हूँ। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर भी डेली न्यूज ही लिख दिया। उसके बाद आपने कोई डिजिट डाल देने अगर अवेलेबल ना हो। ये देखें, उसके बाद हमने क्या करना है,
ये एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। सेव पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास एक ब्लॉग जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। ये देखें, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और ये देखें, डेली न्यूज़ के नेम से ये देखें आपको नज़र भी आ रहा है, एक ब्लॉग मेरे पास जनरेट हो चुका है। अब एक चीज़ बताता चलूँ, आप यहाँ से इस ब्लॉग की थीम भी चेंज कर सकते हो, तो मैं थीम पर क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप की थीम्स नज़र आ रही हैं। आप यहाँ से कोई एक थीम उठा सकते हो और वो अपने ब्लॉग पर लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाली थीम मैं उठा लेता हूँ, इसे यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब हमने फर्दर क्या करना है, यहाँ पर हमने ब्लॉग लिखना कैसे है, उसके लिए हम वापस आएंगे। ये देखें, आपको यहाँ पर न्यू पोस्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है, मैं न्यू पोस्ट पर क्लिक कर दूंगा। ये देखें, मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, आप अलहदा किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को, वर्ड पैड को ओपन करके वहाँ भी कर सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं आपको डायरेक्ट ब्लॉग साइट पर ही करके दिखा रहा हूँ, ताकि जो लोग तेज़ी से काम करना चाह रहे हैं, टाइम बचाना चाह रहे हैं, वो डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम वापस जाएंगे उसी न्यूज़ को जो मैंने ओपन की थी। ये देखें, रात भर इलेक्शन कमीशन में क्या होता रहा, ये देखिए मैं हेडलाइन यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं ब्लॉगर साइट पर वापस आऊंगा, जो मैं पोस्ट लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कैसे करना है, ये देखिए, आपने यहाँ पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट करना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम साथ साथ इसे एडिट भी कर लेते हैं, ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये देखें, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर दूंगा, ये देखें मैंने जूम कर दिया है ताकि हाईलाइट हो जाए। उसके बाद ये देखें, मैं इसे सेंट्राइज कर दूंगा, ये देखें सेंट्राइज कर दिया है। अब मैं इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, आप जो कलर भी रखना चाह रहे हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट मूव करना है। ये देखें, नेक्स्ट मैं अपनी न्यूज़ पे वापस आ चुका हूँ। साथ साथ आपने क्या करना है, ये देखें जो इमेजेस आ रही हैं, ये आपने अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में या मोबाइल में सेव करते जाना है। सेव कैसे करना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद ये देखें सेव इमेज एज की आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ पर आपने डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसे सेव कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम नीचे मूव करते हैं और ये देखें नेक्स्ट न्यूज़ जो आपके पास होगी वो आपने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेनी है। ये देखें, मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद वापस आप ब्लॉग पर आओगे और यहाँ पर आने के बाद आपने इसे पेस्ट कर देना है। अगेन मैं यहाँ से साइज इसका चेंज कर लूँगा, उसके बाद मैंने यहाँ से कलर भी इसका चेंज कर लेना है। और ये देखें, अब मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करने वाला हूँ। पेस्ट कैसे करना है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट, ठीक हो गया। इस तरह आपने पेस्ट करना है। इसी तरह आगे फर्दर मूव करते हैं, हम अपनी न्यूज पे वापस चलते हैं। ये देखें, वापस आने के बाद ये देखें यहाँ पर नेक्स्ट मेरे पास जो टेक्स्ट आ चुका है, मैंने इसे भी यहाँ से अगेन कॉपी कर लेना है। ये देखें, मैं आपके सामने यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अगेन वापस आऊंगा, हम नीचे आते हैं, उसके बाद ये देखें यहाँ पर मैं इसे अगेन पेस्ट कर दूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद फर्दर हम मूव करते हैं, वापस चलते हैं। ये देखें, मेरे पास नीचे एक इमेज भी आ रही है, मैंने इसे अगेन उसी तरह यहाँ से सेव इमेज एज पे क्लिक करना है और यहाँ से मैंने इसे सेव कर लेना है, ठीक हो गया। फर्दर मूव करते हैं, अब इस तरह आपने ये देखें कंप्लीट टेक्स्ट जितना होगा ये सारे का सारा आपने वहाँ पर मूव करवा देना है, वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है और जो इमेजेस आएंगी आपने अपने लैपटॉप में उनको सेव कर देना है। मैं ये कंप्लीट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ आपने फर्दर क्या करना है। ये देखिए, कंप्लीट टेक्स्ट मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक हो गया। अब फर्दर आपने क्या करना है, फर्दर हमने जो इमेजेस हमने अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में सेव की थी वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। वो कैसे अपलोड करनी है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रही है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर की, यहाँ पर जाकर आपने इमेजेस को अपने इस ब्लॉग में अपलोड करना होगा। उसके लिए चूज फाइल पर मैं क्लिक करूँगा और अपने लैपटॉप पर वापस चला जाऊँगा। ये देखें, यहाँ से मैंने पिक उठानी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ये आपके सामने अपलोड हो रही है, मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा और ये देखें आप इसे जूम इन भी कर सकते हो, ठीक हो गया। इस तरह इमेज मेरे पास लग जाएगी। अब फर्दर मैं थोड़ा नीचे आऊंगा और इस पॉइंट पे मुझे अब इमेज लगानी है, ठीक हो गया। फर्दर मैं उसी तरह अब कंप्यूटर पर जाऊंगा, वहां से अपलोड करूंगा और इमेज को सिलेक्ट कर लूंगा। ये देखें ये वाली, अब मैं इस तरह ये इमेज यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। आपने इस तरह डिफरेंट इमेजेस आपने वहां से भी उठा लेनी है और आपने गूगल क्रोम पर जाकर टॉपिक से रिलेटेड अलहदा भी डाउनलोड कर लेनी है। इस तरह आपने मल्टीपल इमेजेस भी अपने ब्लॉग में लगा लेनी है। ये देखें, अगेन मैं जाता हूँ अपने कंप्यूटर पर, उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करूँगा और एक और इमेज मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, ये वाली, ठीक हो गया। इस तरह जितनी ज़्यादा इमेजेस लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपका जो ब्लॉग होगा थोड़ा अट्रैक्टिव नज़र आएगा,
ठीक हो गया। ये काम करने के बाद अब फर्दर आपने क्या करना है, ये इमेजेस भी लगा दिए हमने, टेक्स्ट भी प्रॉपर लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक टाइटल देना है। टाइटल हमने कौन सा देना है, आपने ये वाला टाइटल ही यहाँ पर दे देना है। ठीक हो गया, ये मैं इसे यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद आपने यही टाइटल में लगा देना है। ये देखिए मैंने लगा दिया है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, फर्दर हमने यहाँ ये देखिए आपको यहाँ पर पब्लिश की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने इस पे क्लिक करना है और इसे पब्लिश कर देना है। उससे पहले यहाँ पर आप डिफरेंट यहाँ पर टैग्स भी लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल न्यूज का टैग मैंने लगा दिया है। उसके बाद आप डिफरेंट लेबल यहां पर लगा सकते हो। लेबल लगाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहां से पब्लिश पे क्लिक करना है और यहां से आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, ये मेरे पास एक ब्लॉग लिखा जा चुका है। अब मैंने अगेन इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है अपने एडस्टीरिया अकाउंट पर। ये देखिए मैं एडस्टीरिया पर आ चुका हूँ। अगर तो आपका एडस्टीरिया पर अकाउंट नहीं है तो मैं उसका लिंक एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। वीडियो को देखें और देखकर आप एडस्टीरिया का अकाउंट बना लेंगे बासानी। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, मैं डायरेक्ट अपने अकाउंट में लिए चलता हूँ, आपको बताता हूँ आपने काम कैसे करना है। ये मैंने एक ब्लॉग कंप्लीट लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे ये देखें व्यू ब्लॉग की आपको ऑप्शन नजर आ रही है, आपने इस पे क्लिक करना है। तो ये देखें आपका जो आपने ब्लॉग लिखा है आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब हमने क्या करना है, अपनी ये वाली वेबसाइट जो हमने ब्लॉग ब्लॉगर साइट पर बनाई है, इस वेबसाइट को हमने ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है, हमने इसे ऐड करना है अपने एडस्टीरिया अकाउंट में। उसके लिए हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है वेबसाइट्स की, आपने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर आपको नजर आएगा ऐड वेबसाइट की ऑप्शन, आपने इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने उसी लिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, ये देखें वेबसाइट कैटेगरी कौन सी है, आपने यहाँ से सोशल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पर आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, इस तरह आपकी वेबसाइट जो है वो एडस्टीरिया अकाउंट पर ऐड हो जाएगी। हम नीचे आते हैं तो देखते हैं हमारी वेबसाइट यहाँ पर ऐड हो भी रही है या नहीं। तो ये देखें डेली न्यूज़ की वेबसाइट मैं यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ, अभी पेंडिंग में जा रही है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे ही हमारी वेबसाइट एडस्टीरिया वाले अप्रूव करते हैं मैं फर्दर आपको लिए चलता हूँ। ओके, तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है। ये देखें डेली न्यूज के नेम से हमारी वेबसाइट अप्रूव हो चुकी है, लेकिन ये देखें यहाँ जीरो एड यूनिट। अब हमने यहाँ पर एक एड अपनी तैयार करनी है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एड यूनिट पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक हो गया, आपने कैसे करना है, ये देखें एड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, ये देखें आपने बैनर, इस वेब वाले बैनर पे क्लिक कर देना है, ये ज्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक हो गया, उसके बाद आपने एड पे क्लिक कर देना है और मेरे पास एक एड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। जैसे ही ये वाली मेरी एड, ये देखें वन एड यूनिट, ठीक हो गया, ये देखें उसके बाद मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाली एड अभी पेंडिंग में जा रही है। जैसे ये अप्रूव होती है हम इसी वाली एड को अपने ब्लॉग में यूज करने वाले हैं। जैसे ये अप्रूव होती है मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। ओके, तो अब हम चेक कर लेते हैं हमारी एड अप्रूव हुई है या नहीं। उसके लिए ये देखें एरो पे मैं क्लिक करूंगा और ये देखें मेरा बैनर यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। अब हम इसी बैनर को यूज करेंगे अपने ब्लॉग में। ठीक हो गया, उसके लिए ये देखें गेट कोड की ऑप्शन आपको नजर आ रही है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने ये वाला जो कोड आपको नजर आ रहा है इसे आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कोड पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपने ब्लॉग पर वापस आ जाना है। ये देखें मैं ब्लॉग पर वापस आ चुका हूँ, मैं इसे यहाँ से ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद अब हमने क्या करना है, आपने ये चीजें ध्यान से समझनी है। ये देखें हम थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, ये देखें फॉर एग्जाम्पल हम ये चार दफा यहाँ पर ए लिख देते हैं। इसी तरह हम नीचे आते हैं और यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही करना है, ये देखें 1 2 3 4 मैंने ए लिख दिया। इसी तरह हम और नीचे आएंगे और ये देखें यहाँ पर मैंने सेम लिख दिया है। ऐसे हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे लिख देना है। एक चीज आपने याद रखनी है, जितना बड़ा ब्लॉग होगा आपका उतनी ही ज्यादा आप एड्स अपने ब्लॉग पर लगा सकते हो, उतनी ही ज्यादा कोई ब्लॉग आपको अर्निंग करके देगा। ठीक हो गया, ये देखें मैंने डिफरेंट पॉइंट्स पर यहाँ लिख दिया है। अब हम इन्हीं पॉइंट्स पर एड्स लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखें हमने लगा दिया है, उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है, ये देखें आपने इस पर क्लिक करना है, HTML व्यू आपने कर लेना है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें ध्यान से समझना है कि हमने एड यहाँ पर कैसे लगानी है। मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर आपने उस एड को पेस्ट कर देना है, उस कोड को पेस्ट कर देना है जो मैंने वहां से कॉपी किया था। ठीक हो गया, ये तो हमें पता चल गया कि हमने स्टार्ट में लगा दी। अब फर्दर ये देखें आपको कुछ इस तरह का कोड नजर आ रहा है, आपको तो नहीं समझ आ रही कि आपने अब नेक्स्ट एड कहाँ पर लगानी है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें सर्च पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर हमने जो अभी एड किए थे लेटर वो
आपने ऐड लिखने हैं। ये देखिए मैंने चार दफा ए लिखा था, मैं इस पर क्लिक करूंगा, सर्च कर दूंगा। अब ये देखिए मेरे पास हाईलाइट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर आकर स्पेस देनी है, हमने ये जो लिखे थे मैंने इनको खत्म कर देना है और यहाँ पर हमने अपनी ऐड को पेस्ट कर देना है। इसी तरह हम नीचे आएंगे, ये देखें फर्दर जहाँ पर मैंने ये देखें यहाँ पर ए लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैं स्पेस दूंगा, इनको मैं खत्म कर दूंगा और यहाँ पर मैं अपनी ऐड को पेस्ट कर दूंगा। इसी तरह जहां जहां पर आपने हाईलाइट किया था, इस तरह ए लिखे थे, आपने उन सारों को खत्म करना है और वहां पर अपनी ऐड को पेस्ट करते जाना है। ये देखें यहाँ पर भी मैंने कर दिया। इस तरह मैं कंप्लीट एड्स लगा देता हूँ, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। ओके, तो मैंने एड्स लगा दिए। अब हमने फर्दर क्या करना है, ये देखें अगेन इसी एरो पे आपने क्लिक करना है और कंपोज व्यू पे आपने चले जाना है। ठीक हो गया, वापस हम अपने ब्लॉग पर आ चुके हैं। ये देखें आपको यहाँ पर किसी भी किस्म की चेंजेस नजर नहीं आ रही। अब हमें क्या करना है, ये देखें अपडेट पे आपने क्लिक कर देना है। अब आपको सस्पेंस हो रहा होगा कि मेरा ब्लॉग, अब एड्स तो मैंने लगा दिए, अब नजर कैसे आएगा? तो ये देखें उसके लिए मैंने यहाँ पर एरो पे क्लिक करना है और प्रीव्यू पोस्ट पे मैंने क्लिक कर देना है। ये देखें मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि आपका ब्लॉग लोगों को कैसे नजर आएगा। ये देखें जैसे ही आपका ब्लॉग नजर आया, ये देखें फर्स्ट नंबर पे मैंने एड लगाई थी वो नजर आ रही है। उसके बाद नीचे मूव करते हैं, ये देखें यहाँ पर मैंने एक एड लगाई थी वो एड चल रही है। उसके बाद ये देखें थर्ड एड आ चुकी है। उसके बाद फर्दर मैंने एड यहाँ पर लगाई थी, इसी तरह नीचे देखें ये एड लगाई थी, उसके बाद ये देखें एड लगाई हुई है और एंड पे भी मैंने एड लगाई हुई है। ठीक हो गया, जितना बड़ा ब्लॉग होगा उतनी ज्यादा आप एड्स लगा सकते हो। जैसे ही कोई बंदा आपका ये ब्लॉग देखेगा, ये एड्स उसके सामने जाएंगी, वो न्यूज़ को पढ़े या ना पढ़े आपको आपकी अर्निंग हो जाएगी। ठीक हो गया, अब हमने फर्दर क्या करना है, हम वापस आते हैं। मैंने इसको यहां से अपडेट कर दिया है और अब हम बैक आते हैं। अब हमने क्या करना है, इस ब्लॉग को हमने शेयर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ब्लॉग तो हमने प्रॉपर तैयार कर लिया, इस पे एड्स भी मैंने लगा दी। अब मसला आता है कि इस ब्लॉग पर मैंने ट्रैफिक कहां से लेके आनी है, कौन से लोग मेरे इस वाले ब्लॉग को देखेंगे और मुझे अर्निंग होगी। उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें यहां पर आपने क्लिक करना है और गेट लिंक पे आपने क्लिक कर देना है, क्योंकि ये लिंक थोड़ा बड़ा होता है, हमने इसे शॉर्ट कर लेना है। शॉर्ट कैसे करना है, हमने जाना है एक वेबसाइट पर जिसका नेम है appbitly.com, मैंने इसे ओपन कर लेना है और ये देखें क्रिएट न्यू की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने लिंक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने वो वाला लिंक पेस्ट कर देना है और इंटर पे आपने क्लिक कर देना है। ये हमारे यूआरएल को शॉर्ट करके हमें दे देगा और ये देखें मेरे पास वो वाली न्यूज़ भी आ चुकी है। ठीक हो गया, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अब आपने क्या करना है, इस वाले ब्लॉग को जो मैंने शॉर्ट कर लिया है इसे आपने शेयर करना है। डिफरेंट आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लेने हैं, ये देखें मैं व्हाट्सएप पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आकर आपने डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लेने हैं, वहाँ पर आपने ये वाला ब्लॉग अपना शेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको करके दिखा भी देता हूँ, आपने शेयर कैसे करना है वो चीज़ आपने समझनी है। ये देखें इस तरह डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने के बाद मैंने यहाँ पर मैसेज में ये वाला अपना मैसेज कन्वे किस तरह करना है, ये देखें यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया रात भर इलेक्शन कमीशन में क्या होता रहा, इंतखाबी नतीजे मरतब करने का निजाम कैसे नाकाम हुआ। उसके बाद आपने नीचे ये वाला लिंक लगा देना है और आपने शेयर कर देना है। डिफरेंट आपने ग्रुप्स बना लेने, आप इंडिविजुअल भी लोगों को ये वाला सेंड कर सकते हो। अब जैसे कोई आपके लिंक पे क्लिक करेगा, ये डायरेक्ट क्या करेगा, उसे आपके उस वाले ब्लॉग पर ले जाएगा। इस वाले ब्लॉग पर आने के बाद ये देखें उसके सामने डिफरेंट एड्स आएंगी और उन एड से आपको अर्निंग होगी। ठीक हो गया, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखें डिफरेंट एड्स आएंगी और इस एड से आपको अर्निंग होगी। एक तो आपने ये काम करना है, ग्रुप्स बना लेने, इंडिविजुअल भी लोगों को सेंड करना है। सेकंड ऑप्शन आपने क्या करना है, ये देखें यहां पर आपको चैनल्स की ऑप्शन नजर आ रही है, आपने डिफरेंट यहां पर चैनल्स अपने बना लेने, वहां पर लोगों को ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपने वहां भी अपने लिंक लगाने, इस तरह की आपकी पोस्ट शो होगी। और ये देखें पीटीआई की हमायत याफ्ता 60 अरकान बिकने के लिए तैयार है, ये चीज मैंने पहले से लगाई हुई है, ये न्यूज़ वो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया, जैसे ही इस न्यूज़ को कंप्लीट पढ़ने के लिए कोई आपके लिंक पे क्लिक करेगा, आपके ब्लॉग पर आएगा और इस तरह की एड्स चलेंगी और आपको अर्निंग होगी। एक तो आपने इस तरह शेयर करना है, इस तरह ट्रैफिक अटेन करनी है। सेकंड आपने क्या करना है, एक हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नेम है मी व्यू के नेम से वेबसाइट है। ये ऐसा ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसा कि फेसबुक है, ट्विटर है। आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेना है, यहाँ पर लिंक्स लगाने की किसी भी किस्म की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फेसबुक पर और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन आपको मिलती है, आप अपने लिंक नहीं लगा सकते। ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर फॉरनर ज़्यादा आते हैं, वो आपके लिंक पे क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर अपना सिंपल आपने जीमेल से अपना अकाउंट यहाँ पर बना लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर अपनी पोस्ट लगानी है। कैसे लगानी है, सिंपल आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है और उसके बाद ये देखें आपके सामने इस तरह की नजर आएगी। अब आपने क्या करना है, ये देखें पोस्ट पे आपने क्लिक कर देना है। ये देखें अपलोड होने के बाद कैसी नजर आएगी, ये देखें ये ऑटोमेटिक आपकी पिक भी यहाँ पर वाजिया कर देगा। इस तरह ये देखें रात भर इलेक्शन कमीशन में क्या होता रहा, इंतखाबी नतीजे मरतब करने का निजाम कैसे नाकाम हुआ और नीचे
लिंक आ रहा है। जैसे कोई इस लिंक पे आकर यहाँ भी क्लिक करेगा, यहाँ से भी आपकी अर्निंग होने वाली है। इस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आप ज्वाइन कर लेंगे और वहां पर जाकर अपने ये वाला ब्लॉग का शॉर्ट लिंक आप इस तरह शेयर करोगे, इससे आपको मल्टीपल पॉइंट से यहाँ पर अर्निंग होने वाली है। ओके तो गाइस, उम्मीद है आपको कंप्लीट मेथड की समझ आ चुकी होगी। अब जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ, आपने अब इस लिंक को जो आपने ब्लॉग प्रॉपर लिख लिया, एड्स टैग किया के एड्स भी ऊपर लगा दिए, आपने मैक्सिमम शेयर करना है अपने व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लेने हैं और वो तमाम प्लेटफॉर्म से जहाँ पर आपको अलाउ होगा वहाँ पर आपने मैक्सिमम शेयर करना है, एक कम्युनिटी अपनी बना लेनी है। वो कम्युनिटी बनाने में आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर आप एक ऐसा ग्रुप अपने पास बना लोगे, एक ऐसा गट्ठा तैयार कर लोगे के बहुत से लोगों का हजूम आपके पास आ जाएगा जो आपको कमा के देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अर्निंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को थम्स अप दे दें, नीचे अच्छा सा कॉमेंट लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।